अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ चिकन स्पैगेटी की। और ये मैंने वेजिटेबल्स कुछ काट रखी हैं, इसमें गाजर है और शिमला मिर्च इनको चॉप कर लिया था, और ये बंद गोभी है इसको भी मैंने चॉप किया हुआ है पहले से ही ताकि टाइम बच जाए। और इसके बाद ये चिकन को क्यूब्स में काट लिया है, और लहसुन का पेस्ट आपको चम्मच पे नज़र आ रहा होगा, ये लहसुन का पेस्ट है। इसमें अदरक शामिल नहीं करेंगे, सिर्फ लहसुन ही डलेगा। और ये स्पैगेटी है, इसको मैंने 3 पीसेस में तोड़ लिया हुआ है। अब एक कढ़ाई लेंगे, इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, और ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ऑयल डाला, ये लहसुन का पेस्ट डाला। और इसके बाद इसमें चिकन क्यूब्स शामिल कर देंगे और इसको फ्राई कर लेंगे हम चिकन को। जब तक चिकन वाइट नहीं हो जाएगा कम्प्लीटली, इसमें कोई और चीज़ शामिल नहीं करेंगे क्योंकि चिकन की एक ख़ास स्मेल होती है। अगर आप इसको फ्राई कर लेंगे लहसुन के पेस्ट के साथ तो ये चिकन की जो स्पेसिफिक स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। अब इसमें मैंने मसाला डाल दिया जो कि स्पैगेटी के साथ आया था, वेल नोन ब्रांड की ये स्पैगेटी खरीदी थी मैंने। इसमें अब ये थोड़ी सी काली मिर्च शामिल कर रही हूँ, 1 to 2 tablespoons। काली मिर्च का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, ये इसको साथ साथ भूनना है। थोड़ा सा पानी डाला है ताकि मिर्च जो है वो अच्छी तरह, जो मसाला डला है वो अच्छी तरह भून जाए और चिकन भी जो है वो गल जाए। ये थोड़ा सा सिरका ऐड कर रही हूँ, 1 to 2 tablespoons। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं अगर आपको खटास पसंद है। और ये सोया सॉस है, 1/2 cup तकरीबन डल जाएगा क्योंकि मेरा मटेरियल ज़्यादा है, इसलिए आप अगर आपको नहीं पसंद सोया सॉस का फ्लेवर तो आप मत डालें। यह मैंने इसको ढक दिया है, दूसरे चूल्हे पे मैंने पानी बॉईल होने के लिए रख दिया था ताकि जो है वो साथ साथ हम स्पैगेटी को बॉईल भी कर लें। इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, ऑयल इसलिए डालेंगे ताकि जो है वो स्पैगेटी बॉईल होने के बाद आपस में चिपके ना। और थोड़ा सा मैं इसके अंदर सिरका भी शामिल करूँगी, सिरका शामिल करने से जो है वो स्पैगेटी जो होती हैं वो अलग अलग रहती हैं, चिपकती नहीं है जैसे हम चावलों में ऐड करते हैं। ये इधर जो है इस पॉइंट पे मैं ये गाजरें शामिल कर दी हैं इसके अंदर ताकि गाजरें भी साथ साथ जो हैं वो गल जाएं। 5 से 10 मिनट लेंगी गाजरें गलने में। गाजर को सबसे पहले डालिएगा क्योंकि शिमला मिर्च और बंद गोभी तो 5 से 10 मिनट के अंदर बिल्कुल ही वो हो जाती हैं। ये गाजर इसको ढक दें चाहे आप, पानी बॉईल होना शुरू हो गया है। अब मैं इस पॉइंट पे जो हूँ ये स्पैगेटी शामिल करूँगी, ये स्पैगेटी शामिल कर दी है मैंने। आप उतनी देर तक मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, यह आपकी मोहब्बत होती है। आपका पूरी वीडियो देखिएगा, बहुत यम्मी रेसिपी है ये, इतनी डिटेल से ये मैंने वीडियो बनाई है आप सबके लिए। ये जी आप गाजरें बिल्कुल गल चुकी थी तो ये मैंने शिमला मिर्च ऐड की है जो मैंने पहले से चॉप कर रखी थी, ये बंद गोभी ऐड कर दी इसके अंदर। अब मैं इसको अच्छी तरह जो हूँ सब चीज़ों को मिक्स करूँगी, बहुत खूबसूरत खुशबू आ रही है, टेस्टी सी यम्मी सी। इसको ढक दें आप थोड़ी देर के लिए, मैंने थोड़ी सी काली मिर्च और ऐड की है, मुझे हल्की लग रही थी ये। अब स्पैगेटी को भी बॉयल होना शुरू हो गई है, इसको आप तोड़ के अंदर से चेक करिएगा, आपको पता लग जाएगा कि ये कच्ची है या पक गई है। ये मैंने स्पैगेटी को स्ट्रेन कर लिया है और इसके ऊपर अब मैं ठंडा पानी डाल रही हूँ ताकि इसकी कम्प्लीटली जो स्टार्च है वो रिमूव हो जाए और ये मज़ीद जो इसके अंदर
गर्म है, कुक होने की पावर जो है वो ख़त्म हो जाए इसके अंदर। इसको कम्प्लीटली पानी से आपने ठंडे टैप वाटर से वॉश कर लेना है। इस तरीके से जो है ये चिपकेगी नहीं और स्टार्च कम्प्लीटली रिमूव हो जाएगा इसका। ये कम्प्लीट स्ट्रेन होने के लिए रखती है पानी। ये इधर बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, इधर मसाला रेडी हो रहा है स्पेगेटी का। मैक्रोनी भी बिल्कुल इसी सेम तरीके से बनती है, बस स्पेगेटी की जगह मैक्रोनी डालते हैं। ये अब मैंने बॉयल की हुई स्पेगेटी शामिल कर दिया है इसके अंदर। अब सारा काम जो बाकी रह गया है वो मिक्सिंग का है। ये अच्छी तरह मसाला नीचे है, सारा अच्छी तरह मिक्स कीजिएगा इसको। काइंडली मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक का बटन प्रेस कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ मेरे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, उन्हें बताएं मेरे चैनल के बारे में। यम्मी चिकन स्पैगेटी रेडी है।